नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। दोस्तों, तो आज हम कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में चर्चा करेंगे। जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और हर बार इसमें से दीपसी के एग्जाम में एक से दो क्वेश्चन निश्चित पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, एक बार इस वीडियो को देख लेंगे, मैं गारंटी ले रहा हूं आपको कभी भूलेगा नहीं दोस्तों। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए क्या है भाई, का जनरेशन आप कंप्यूटर, देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में जो प्रथम पीढ़ी है दोस्तों, हमारा जो प्रथम पीढ़ी है, प्रथम पीढ़ी में क्या क्या आविष्कार होते हैं? देखिए फर्स्ट पीढ़ी जो आपका सन चला है वो आपका चला है दोस्तों 1940 से 1956 तक माना गया है। कहां तक माना गया है? 1940 से 1956 तक माना गया है। और पूछा जाता है, और इसी प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया गया था। मतलब कि इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर में प्रयोग किया था। मतलब इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया है, तो पूछा जाता है वैक्यूम ट्यूब कौन सी पीढ़ी में प्रयोग किया, तो प्रथम पीढ़ी में प्रयोग किया। वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर दोस्तों। दूसरी बात, इसमें जो भाषा थी, जैसे बात करें भाषा, तो इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? तो मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया था दोस्तों। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया था और मशीनी भाषा। सन कब से? 1940 से 1956 माना जाता है। द्वितीय पीढ़ी के बारे में बात करें, ये नोट करते चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा दोस्तों। द्वितीय पीढ़ी की बात करें, द्वितीय पीढ़ी आपका कब तक चढ़ा है? द्वितीय पीढ़ी आपका चढ़ा है दोस्तों 1956 से 1963 तक। 1956 से 1963 माना जाता है। इसमें देखिए किसका आविष्कार किया गया था? ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया। मतलब कि इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। इसके आविष्कार कौन थे? तो कभी कभी पूछा गया एग्जाम में, ये पूछा गया ट्रांजिस्टर के आविष्कार कौन किया था, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था विलियम शॉकली ने 1947 में किया था दोस्तों। 1947 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। नोट करते रहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया, तो विलियम शॉकली ने ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। ये आपका द्वितीय पीढ़ी में प्रयोग किया गया। इसमें जो भाषा का प्रयोग किया गया, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था। कभी कभी मेमोरी के बारे में बात कर देता है, तो इसमें देखिए पंच कार्ड, प्रथम पीढ़ी में पंच कार्ड मेमोरी का प्रयोग किया गया था। पंच कार्ड मेमोरी, और द्वितीय पीढ़ी में आपका कौन सी मेमोरी का प्रयोग किया गया था? आपका द्वितीय पीढ़ी में मेमोरी जो प्रयोग किया था, तो आप देखते हैं मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया गया था दोस्तों। तो पहले जो पीढ़ी थी आपकी, पहली पीढ़ी में पंच कार्ड मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया था, लेकिन दूसरी जो पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप का प्रयोग किया। कभी पूछा गया था पंच कार्ड मेमोरी कौन से जनरेशन में प्रयोग किया गया था, तो आपके फर्स्ट जनरेशन में प्रयोग किया था। अब पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में कौन कौन से कंप्यूटर आविष्कार है, तो एनियक फर्स्ट जनरेशन का, एनियक आप ध्यान में रखिएगा, कभी कभी दे सकता है। एनियक कौन से जनरेशन का कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन का। एडसेक जो आपका है वो भी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। एडवैक ये सारे जो जनरेशन के कंप्यूटर है वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सा कंप्यूटर इस समय, लेकिन द्वितीय जनरेशन में 1401 मतलब ईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, जिसका फुल फॉर्म है 1401, द्वितीय जनरेशन का मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर माना जाता है। मतलब कि बहुत ज्यादा एक कंप्यूटर इसका प्रयोग किया गया था दोस्तों। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं जो आपके लिए फायदेमंद है। चलते हैं तृतीय पीढ़ी में,
किसका प्रयोग किया गया, इसकी तृतीय पीढ़ी में दोस्तों। तो तृतीय पीढ़ी जैसा कि आपने देखा कि वहां से 1963 से स्टार्ट होके ये आपका 1971 तक माना जाता है, मतलब कि 70-71 तक माना जाता है इसको, 1963 से 1971 तक। अब इस पीढ़ी में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया गया, देखिए इस पीढ़ी में सबसे पहले कौन सी आपका आईसी आ गई, इंटीग्रेटेड सर्किट, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग हुआ, इंटीग्रेटेड सर्किट। लेकिन कौन सी सर्किट थी, तो एसएसआई थी, मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मतलब कि जो एसआई का था, तो एसआई की कौन सी टेक्नोलॉजी का सर्किट प्रयोग किया गया था, तो एसएसआई। लेकिन कभी कभी पूछता है कि एसआई का आविष्कार कब हुआ, तो मतलब किसने किया था, तो अभी जल्द ही एग्जाम में पूछा गया था कि इंटीग्रेट सर्किट के आविष्कार कौन है, तो जैक किबली ने आविष्कार इसको किया था दोस्तों। जैक एसआई का आविष्कार किसने किया था, मतलब कि आईसी का, सॉरी एसआई कह रहे हैं, आईसी का आविष्कार किसने किया था, तो जैक किबली ने किया था दोस्तों। ये एग्जाम में पूछा गया था, बस ये अभी जल्द ही पूछा गया, अगर फरवरी का एग्जाम में पैटर्न में देखेंगे, जो अभी हमने क्वेश्चन आपको डाला है तो उसमें देखेंगे, तो ये जैक किबली पूछा गया। दूसरी बात, इसमें जो मेमोरी हुई, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा, मतलब इसमें जो भाषा थी आपकी दोस्तों, इसमें हाई लेवल लैंग्वेज भाषा का प्रयोग होने लगे। और इसमें हमने बताया कि आईसी का प्रयोग, इसके जो आपका जो कंप्यूटर है वो आपका आईबीएम 360 और 370, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 360 370 बहुत ही ज्यादा प्रयोग होते थे। तो आईबीएम 360 370 कंप्यूटर किस पीढ़ी प्रयोग होते थे, तो आपका तृतीय पीढ़ी। तो नोट डाउन करते रहिए, चतुर्थ पीढ़ी चलते हैं। चतुर्थ पीढ़ी आपका 1971 से 1989 तक है दोस्तों, 1971 से 1989 है। इसमें ही आपका GUI बेस का कंप्यूटर प्रयोग होने लगा, GUI मतलब इसमें आपका पर्सनल कंप्यूटर आ गया था, पर्सनल आपका कंप्यूटर आ गया था दोस्तों, पर्सनल कंप्यूटर आ गया था, या तो कह सकते मेन फ्रेम कंप्यूटर, या तो हम बहुत ज्यादा पर्सनल कंप्यूटर को माइक्रो ही कंप्यूटर कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर आ गया था, मतलब जिसको जैसे लैपटॉप होता है, तो इसमें आपका आ गया था कि आप इस कंप्यूटर में, मतलब जीआई, मतलब कि 1971 से 1979 में जीयूआई बेस कंप्यूटर का प्रयोग होना, जीयूआई मतलब ग्राफिक यूजर इंटरफेस कंप्यूटर का प्रयोग होने लगा। इसमें जो लैंग्वेज थी हाई लेवल लैंग्वेज थी, और इसमें भी आपका आईसी का ही प्रयोग हुआ, मतलब कौन सी आईसी थी, तो VLCI थी, VLSI थी दोस्तों, VLSI मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आईसी का प्रयोग होने लगा। तो ये आपका जीयूआई बेस्ड, मतलब कि इसी युग में ही आपका लैपटॉप का आविष्कार हो गया था दोस्तों। तो इसमें जो आप लैपटॉप देख रहे हैं, जितने भी आए उतने ही लैपटॉप का प्रयोग होने लगे, तो बहुत ही सिंपल है। चतुर्थ पीढ़ी में आते हैं, चतुर्थ पीढ़ी हो गया, पंचम पीढ़ी में दोस्तों क्या था, पांचवी पीढ़ी के बारे में बात करें, पंचम पीढ़ी आपका थी क्या, जो अभी तक चल रही 1989 से अब तक चल रहा है दोस्तों, अभी तक चल रहा है। तो इस पीढ़ी में आईसी का ही प्रयोग हुआ, आईसी का प्रयोग हुआ, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी जो हुई बढ़ गई, तो इसकी टेक्नोलॉजी VLC आ गई दोस्तों। तो यहां पे ULCI भी पढ़ते हैं बहुत लोग, SI, तो इसमें ULSI जो था, अल्ट्रा लार्ज स्केल
इंट्रीगेशन का प्रयोग होने लगा। इसमें भी भाषा हाई लेवल लैंग्वेज की प्रयोग हुई और जो रोबोट है आपका पांचवी पीढ़ी का ही उदाहरण दोस्तों। तो ये पांच पीढ़ी थी, आपको हमने बता दिया, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए जिन लोगों ने रिवीजन नहीं किया। तो प्रथम पीढ़ी में कभी कभी एग्जाम पूछे वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी का कंप्यूटर, तो प्रथम पीढ़ी का। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, सेकेंड। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, तो आपका थर्ड। तो कभी कभी पूछे ट्रांजिस्टर के आविष्कारक कौन है, तो विलियम, हमने शॉकली बताया। आईसी के आपके जो है आईसी के आविष्कारक कौन है, तो जैक किम्बली। ये एग्जाम में बार बार पूछे गए दोस्तों, तो इस समय यही एग्जाम में पूछा। तो पहली पीढ़ी आपका आविष्कार कब हुई थी, 1940 से 1963। दूसरी पीढ़ी आपका कब से हुई, 1940 से 1956 से 1956 से 1963, 1963 से 1971, 1971 से 1989 और 1989 से अब तक चल रहा है दोस्तों। तो ये पांच पीढ़ी है जो बार बार एग्जाम में तीन क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। एनियक जो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर, एनियक एडसेक, और जो द्वितीय पीढ़ी में 1401 आईबीएम 1401 कंप्यूटर बहुत ज्यादा बेस होता है। तो जीयूआईबीएस कब आया कंप्यूटर, चौथी पीढ़ी से जीयूआईबीएस आ गया दोस्तों। हाई लेवल मशीनी लैंग्वेज किस पीढ़ी का, किसमें प्रयोग हुआ था, तो प्रथम पीढ़ी में हुआ था। द्वितीय पीढ़ी में पूछा जा सकता है असेंबली भाषा का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ, तो द्वितीय भाषा में हुआ। तो ये बहुत सारे जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं आपके ट्रिपल सी एग्जाम में देखेंगे, तो बार बार इसमें से एक से दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हमने इसको पूरा अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया। आप इसे एक दो बार देखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो बार बार पूछेंगे उसके बारे में बताएंगे। लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।